हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताजा खबरें ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। ऋषि सुनक के पीएम बनने पर अमिताभ का रिएक्शन, अलग अंदाज में दी बधाई, कहा ब्रिटेन को मिला भारतीय वायसराय। तो दोस्तों, दिवाली के दिन ब्रिटेन में ऋषि सुनक को बतौर प्रधानमंत्री चुना गया है। और दोस्तों, खास बात यह है कि ऋषि भारतीय मूल के हैं और ब्रिटेन में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी गैर श्वेत व्यक्ति को बतौर प्रधानमंत्री चुना गया। और दोस्तों, पहले ही सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हो, मगर इसकी खुशी दुनिया भर के भारतीयों को है। और दोस्तों, दुनिया भर के नामी हस्तियां ऋषि को बधाई दे रही है। और इस बीच सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी उन्हें बेहद अलग अंदाज में बधाइयां दी। तो दोस्तों, अमिताभ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर ब्रिटेन में सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर खुशी जताई है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि बिग बी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि भारत माता की जय हो, अब ब्रिटेन के पास अपने देश की ओर से प्रधानमंत्री के रूप में एक नया वायसराय है जो कि हमारी मदरलैंड से है। तो दोस्तों, अमिताभ ने इस पोस्ट के साथ ऋषि सुनक के पीएम बनने पर अपनी खुशी जाहिर की है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली की हवा में घुला जहर, दिवाली की अगली सुबह जहरीली हुई हवा, AQI 353 पहुंचा। तो दोस्तों, दिवाली के एक दिन बाद दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। और दोस्तों, सुबह 6 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 था, जो सुबह 9:30 बजे तक या 353 तक पहुंच गया। वही दोस्तों, हवा में पार्टिकुलेट मैटर का स्तर औसत 319 मापा गया है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण दिवाली पर जलाए गए पटाखे बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों, बैन के बाद भी प्रदेश में रात भर पटाखों का शोर हुआ और धुआं चलता रहा। और दोस्तों, सुबह होने तक दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं बची। वही दोस्तों, दिल्ली से सटे नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद में भी हवा में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा है। तो दोस्तों, सुबह 9:30 बजे नोएडा का AQI 344, गुरुग्राम का 341 और फरीदाबाद का 347 दर्ज हुआ है। वही दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि दिवाली के अगले दिन दिल्ली की हवा बेहद खराब स्तर पर है, लेकिन दिवाली पर दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर 4 साल के सबसे कम स्तर पर रहा। वही दोस्तों, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक इस साल का 24 घंटे का AQI का औसत 312 रहा और 2021 में यह औसत 382 था। वही 2020 में 414 और 2019 में 337 था। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हरियाणा से 11 शहरों के लिए फ्लाइट, 2023 में शुरू होगा एविएशन हब, गुरुग्राम में हेली हब बनाने के लिए केंद्र करेगा सहयोग। तो दोस्तों, हरियाणा से अब देश के 7 राज्यों के 11 प्रमुख शहरों के लिए सीधी उड़ान शुरू होगी। तो दोस्तों, हिसार में 2023 में एविएशन हब का काम करना शुरू कर देगा। वही दोस्तों, इसके बाद से एयरपोर्ट से उड़ाने शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, गुरुग्राम में हेली हब बनाने के लिए भी हरियाणा की ओर से केंद्र से सहयोग मांगा गया है। वही दोस्तों, राज्य सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही इसकी मंजूरी मिल जाएगी। वही दोस्तों, हरियाणा से 7 राज्यों के 11 प्रमुख शहरों के लिए सीधी उड़ान की तैयारी है। तो दोस्तों, इन शहरों में अमृतसर, जालंधर, श्रीनगर, जम्मू, जयपुर, इंदौर, अहमदाबाद, आगरा, वाराणसी, देहरादून तथा बिहार के गया का नाम शामिल है। तो दोस्तों, सरकार को उम्मीद है कि इससे राज्य के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मेघालय, मिजोरम समेत 4 राज्यों में तूफान का रेड अलर्ट, शाम को पहुंचेगा सतरंग, असम बंगाल में तेज बारिश शुरू। तो दोस्तों, बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र से टकराने के बाद साइक्लोन सतरंग ने भारत में दस्तक दे दी है। वही दोस्तों, मौसम विभाग ने असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में रेड अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों, रेड अलर्ट का मतलब है कि इन राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वही दोस्तों, IMD के मुताबिक सतरंग शाम को भारत में एंट्री करेगा। वही दोस्तों, उधर त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में 100 से 110 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल रही है। वही दोस्तों, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम के कई जिलों में बारिश शुरू हो गई है। वही दोस्तों, मंगलवार को गुवाहाटी में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया और बंगाल की CM ममता बनर्जी ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को सतरंग ने बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई और साइक्लोन के कारण वहां 11 लोगों की मौत हो गई। और दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक बरगुना, नारेल, सिराजगंज, दीपिया, झीले, भोला से मौतों की सूचना मिली है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। शेयर बाजार की मजबूत शुरुआत, शुरुआती कारोबार में
60,000 के पार निकला सेंसेक टेक महिंद्रा मारुति टॉप गेनर्स। तो दोस्तों दिवाली के बाद मंगलवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक 60,000 के पार निकल गया, जबकि दोस्तों निफ्टी 17,800 पर कारोबार कर गया। तो दोस्तों सेंसेक 171 अंक की तेजी के साथ 60,003 पर खुला और निफ्टी में भी 77 अंकों की बढ़त देखी गई है। तो दोस्तों ये 17,808 के स्तर पर खुला। हालांकि दोस्तों शुरुआती तेजी के बाद बाजार में मुनाफा वसूली के कारण 100 अंकों की ज्यादा से गिरावट दर्ज की गई। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि बैंकिंग FMCG रियलिटी कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर में बिकवाली है और वही ICICI बैंक का शेयर नतीजे के बाद 2% तक चढ़ गया है। तो दोस्तों टेक महिंद्रा मारुति डॉक्टर रेडीज SBI और LT में 1% से ज्यादा की तेजी है। वही दोस्तों नेस्ले इंडिया हिंदुस्तान यूनिलीवर और कोटक बैंक में 2% से ज्यादा की गिरावट है। और इससे पहले दिवाली पर मुहूर्त ट्रेंडिंग बाजार 500 से ज्यादा पॉइंट चढ़कर बंद हुए थे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 1.5 घंटे बंद रहने के बाद व्हाट्सएप सर्विस बहाल। दोपहर 12:30 बजे डाउन हुआ मैसेंजर, 96 मिनट बाद 2:06 पर शुरू। तो दोस्तों व्हाट्सएप की सर्विसेज मंगलवार को दुनिया के कई देशों में करीब 1.5 घंटे डाउन रही। तो दोस्तों जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप ने दोपहर 12:30 बजे काम करना बंद किया था और करीब 1.5 घंटे बंद रहने के बाद 2:06 पर इसने वापस काम करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों सरकार ने व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा से इस गड़बड़ी को लेकर रिपोर्ट मांगी है। वही दोस्तों भारत में राजस्थान मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में यूजर्स ने मेटा ऑन मैसेंजर सर्विस में डिसरप्शन की शिकायत की थी। तो दोस्तों वेबसाइट ट्रैकर डाउन डिटेक्टर ने मैसेंजर सर्विस बंद रहने की जानकारी दी थी। वही दोस्तों व्हाट्सएप के काम ना करने की खबर ट्विटर पर भी ट्रेंड करने लगी थी। वही दोस्तों दुनिया भर में व्हाट्सएप के 2 अरब से ज्यादा एक्टिव मंथली यूजर्स है। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि फेसबुक इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म 4 अक्टूबर 2021 को करीब 6 घंटे तक पूरी दुनिया भर में बंद रहे थे। तो दोस्तों जिसके चलते अरबों यूजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और इस आउटेज का असर अमेरिकी बाजार में फेसबुक के शेयरों पर भी दिखा था। और दोस्तों कंपनी के शेयर 6% तक गिर गए थे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 700 दुकानों में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां मौजूद। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के एक मार्केट में 700 दुकानों में आग लग गई है। तो दोस्तों आग किस कारण से लगी इसकी वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। तो दोस्तों घटना नाहर लंगून मार्केट की है और दोस्तों दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है और अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। वही दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि आग में लाखों रुपए के नुकसान की बात भी कही जा रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बिगड़ा मोबाइल सुधारने दिया खाते से गायब हुए 2 लाख रुपए। कर्मचारी ने बैंकिंग ऐप एक्सेस किया, फिक्स डिपॉजिट तोड़कर पैसे ट्रांसफर किए। तो दोस्तों मुंबई में एक शख्स को फोन रिपेयर करवाना महंगा पड़ गया। तो दोस्तों रिपेयर करने वाले ने कस्टमर का बैंकिंग ऐप एक्सेस कर लिया। तो दोस्तों इसके बाद उसकी FD फिक्स डिपॉजिट तोड़कर 2.2 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। और दोस्तों घटना साकी नाका में रहने वाले पंकज कदम के साथ हुई है। तो दोस्तों पंकज ने पुलिस से इसकी शिकायत की, जिसके बाद साकी नाका पुलिस ने फोन रिपेयर करने वाली कर्मचारी पर FIR दर्ज कर ली है। तो दोस्तों कदम ने पुलिस को बताया कि 7 अक्टूबर को उनके फोन के स्पीकर में दिक्कत आ रही थी, इसलिए वह लोकल फोन रिपेयर स्टोर पर गए और कर्मचारी ने उसे अपना सिम कार्ड फोन में से निकालने के लिए मना कर दिया। और कर्मचारी ने फोन वापस लेने अगले दिन सुबह बुलाया तो 8 अक्टूबर को जब कदम दुकान पर गया तो वह बंद थी। और दोस्तों इसके बाद 9 और 10 अक्टूबर को भी दुकान बंद मिली। तो दोस्तों आपको बता दें कि 11 अक्टूबर को कदम फिर से स्टोर पहुंचे, लेकिन वह दूसरा वर्कर मिला और जब कदम ने अपना फोन और सिम कार्ड मांगा तो उसे बहाना बना दिया। वही दोस्तों गड़बड़ी का अंदेशा होने पर कदम ने अपने दोस्त की मदद से बैंकिंग ऐप चेक किया। तो दोस्तों तब उन्हें धोखाधड़ी का पता चला। इसके बाद दोस्तों 14 अक्टूबर को कदम ने साकिना का पुलिस में FIR दर्ज की। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिवाली की रात वडोदरा में सांप्रदायिक हिंसा, स्ट्रीट लाइट बंद कर पथराव, गाड़ियां जलाई, पुलिस अफसर पर भी पेट्रोल बम फेंका। तो दोस्तों गुजरात के वडोदरा में दिवाली की रात में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। तो दोस्तों शहर के पानीघाट इलाके में देर रात करीब 1 बजे 2 गुटों में झड़प के दौरान
जमकर पथराव हुआ। वही दोस्तों उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को भी आग लगा दी और जब पुलिस इस इलाके में पहुंची तो दंगाइयों ने पुलिस अफसर पर भी पेट्रोल बम फेंक दिया। हालांकि दोस्तों वे इस हमले से बच निकलने में कामयाब हुए। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस घटना से पहले दंगाइयों ने इलाके की स्ट्रीट लाइट बंद कर दी थी ताकि उनकी पहचान ना की जा सके। तो दोस्तों मंगलवार सुबह पुलिस ने 19 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। हालांकि दोस्तों इलाके की सीसीटीवी फुटेज की मदद से गाड़ियों में आगजनी करने वाले लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को जैसे तक लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।